हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मैनेजर और आप देख रहे हैं ऑल ऑनलाइन मैनेजर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि जो SBI क्लर्क प्री एग्ज़ाम है उसका जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है, तो उसे डाउनलोड किस प्रकार से करना है अपने लैपटॉप PC या फिर मोबाइल में। सबसे पहले आसानी से घर बैठे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल का आइकन है उसे भी क्लिक कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपने लैपटॉप PC या फिर मोबाइल में सबसे पहले कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर सर्च बार पर सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट सर्च करने के बाद में यहाँ पर जो फर्स्ट वाली लिंक है इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इसका जो सरकारी रिजल्ट का जो ऑफिशियल पेज है वो आ चुका है। तो यहाँ पे जो इसकी होम साइट है वो आ चुकी है। तो अपने को सिंपली SBI क्लर्क प्री का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे SBI क्लर्क प्री एडमिट कार्ड 2023 तो इस पर क्लिक कर लेना है। तो ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में कुछ हमारे सामने इसका इस प्रकार से पूरी डिटेल आ जाएगी इसकी। तो आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करते जाना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। अब और यहाँ पे क्लिक हेयर, तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इसका जो होम पेज है वो SBI क्लर्क का जो होम पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस आ जाएगा। तो अपने को सिंपली यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे या तो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो रजिस्ट्रेशन लगा सकते हो या फिर रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर आपको पासवर्ड वो डालना है, या तो आपके जो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तब आपने पासवर्ड बनाए होंगे वो पासवर्ड डालना है, या फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डालनी है। तो और फिर नीचे आपको ये वाले कैप्चा जो यहाँ पे एंटर कर देना और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो ये प्रोसेस कर लेते हैं अपन। तो आपको यहाँ पे अब पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड मेरे जो रजिस्ट्रेशन के हैं वो पासवर्ड नहीं है मेरे पास, तो डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर, जैसे कि 4 04 फिर डैश फिर 9 09 फिर डैश, और फिर अपने को जैसे कि 2000 है मेरी डेट ऑफ बर्थ, तो आपको केवल 2000 के लिए 00 लगाना है लास्ट में। 00 लगाने के बाद में जैसे आपकी 1998 है तो आपको 98 ही लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले कैप्चा जो यहाँ पे अपन डाल लेते हैं। तो आपको तो ये कैप्चा डालने के बाद में फिर लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पे अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जो SBI का जो क्लर्क का एडमिट कार्ड है वो हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम एग्ज़ाम 11 जनवरी 2024 को है, और एग्ज़ाम कहाँ पे, जयपुर में है एग्ज़ाम। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप आसानी से जो अपना SBI क्लर्क का एडमिट कार्ड है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।